नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग लगातार तेज होने लगी है। हालांकि इस भर्ती पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करना है, लेकिन इससे पहले ही एक बार फिर से प्रदेश के युवा बेरोजगार किरोड़ी लाल मीणा से अंतिम प्रयास करने की मांग को लेकर उनके आवास पर पहुंचे राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा से युवाओं की मुलाकात नहीं हो पाई। सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर हैं। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान का निरीक्षण किया। इसके बाद लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि आम जन की समस्याओं का तुरंत समाधान हो। इसके साथ ही अधिकारियों को धरातल पर उतरकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। प्रदेश में दिवाली से पहले मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही कई जिलों में बादलों की आवाजाही भी चलते दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इसी तरह से मौसम में बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। राजस्थान में पहली बार दिव्यांग गरबा का आयोजन किया गया। सीकर रोड स्थित एक निजी कॉलेज में आयोजित गरबा महोत्सव का आयोजन डॉक्टर मुकेश पंचोली द्वारा कराया गया। गरबा महोत्सव में देश भर से करीब 200 से ज्यादा दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान व्हील चेयर पर दिव्यांगों द्वारा किया गया गरबा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग लगातार तेज होने लगी है। इसी बीच अब ट्रेनी एसआई के परिजन भी आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई किरोड़ी लाल मीणा के आवास पहुंचे थे, तो वहीं अब रविवार 13 अक्टूबर को ट्रेनी एसआई के परिजन एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर उतरने जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा के सामने भी परिजन अपनी पीड़ा रखेंगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार बन चुकी और 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह सेक्टर 5 पंचकुला में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रह सकते हैं। देश भर में लगातार रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं बीते दिन तमिलनाडु में एक और रेल दुर्घटना सामने आई, जहां मैसूर से दरभंगा जा रही ट्रेन की गुडूर जंक्शन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में करीब 19 लोगों से घायल होने की सूचना मिली। इस दुर्घटना के बाद एक बार फिर से रेल मंत्री कांग्रेस के निशाने पर हैं। साथ ही रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर जो विवाद चला आ रहा था, आखिरकार 2 दिनों के बाद वो विवाद थम गया। पीडब्ल्यूडी की ओर से आतिशी को सीएम आवास सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी की ओर से सीएम आतिशी से बंगला खाली करवा लिया गया था। इसके साथ ही सीएम आवास पर डबल लॉक लगा दिया था, लेकिन अब 2 दिन बाद आतिशी को फिर से बंगला अलॉट कर दिया गया है, जिसके बाद सीएम आतिशी बंगले में शिफ्ट हो गई है। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आज हनुमानगढ़ जंक्शन में नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन से रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक तक निकाली रैली में कार्यकर्ताओं ने नागरिकों को बैनर और तख्तियों के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले में चिट्टे जैसा बढ़ता जा रहा है, खतरनाक ये नशे का खेल, इससे युवाओं की मौत हो रही है। ऐसे में नागरिकों को अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा नशा मुक्ति और नशे से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो नतीजे आए हैं उन्होंने उनको सबको अचंभित कर दिया है। हम इसका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, हमने चुनाव आयोग के समक्ष भी मुद्दे उठाए और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम प्रदेश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।